तो एक क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे कई उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किए हैं। हमने कई योजनाएं शुरू की है, स्वदेश दर्शन, हमारे आध्यात्मिक रूप से भारत आज भी, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक रूप पूरी दुनिया के अंदर लोग शांति के लिए आते हैं, प्रसाद, अतुल्य भारत अभियान जैसी योजनाएं, और समय समय पर भारत पर, पर्यटन पर ऐसी कई सारी योजनाएं और आयोजन हम करते रहते हैं। विशेष रूप से हमने जो प्रयास किया कि विदेशी पर्यटक यहां आए, उसके लिए हमने वीजा की सुगमता की, ऑनलाइन वीजा प्रणाली हमने कई देशों के साथ एग्रीमेंट करके किया है, उसके कारण विदेशी पर्यटकों को भी आने में सुविधा हुई है। इस दिशा में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर आगे बहुत विकास की संभावना है, हमें नए क्षेत्र ढूंढने चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से भारत सबसे अच्छा देश हो सकता है, आध्यात्मिक शिक्षा, और विशेष रूप से जब मैं देखता हूं आज की तारीख में मेडिकल टूरिज्म के रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा भाव हो सकता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर भारत के चिकित्सक हैं, और इसीलिए भारत में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अगर कहीं दुनिया के अंदर है तो भारत के अंदर है, और हम इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो मुझे मेरी आशा है कि मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी संभावना है और उस संभावना का लाभ भारत को मिल सकता है। इसी तरीके से भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ये नई शिक्षा नीति हमारी विश्व स्तरीय भी है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम कई देशों के विद्यार्थियों को एक अध्ययन अध्यापन का केंद्र भारत को बना सकते हैं। इसलिए एजुकेशन डेस्टिनेशन के लिए भी हमें पर्याप्त अवसर आज यहाँ पर है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैश्विक स्तर पर भारत को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सकें, और इसके लिए मंत्रालय द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आईटी के क्षेत्र का बहुत उपयोग की आवश्यकता है। हमें हमारे जितने भी टूरिज्म पहले से स्थान हैं उनको हम किस तरीके से आईटी के द्वारा दुनिया को दिखा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का जब टूरिस्ट आता है या स्वदेश का टूरिस्ट भी आता है, लोकल टूरिस्ट भी आजकल ऑनलाइन देखता है कि किस किस टूरिस्ट स्थान का, पर्यटक स्थल की क्या क्या आवागमन के साधन है, क्या क्या वहां विशेष स्थान है। इसलिए भारत ने हाईवे के अंदर हो, रेलवे कनेक्टिविटी के अंदर हो, एयर कनेक्टिविटी के अंदर हो, सारे टूरिस्ट स्थलों को इनसे जोड़ने की व्यापक कार्य योजना बनाई है, और मुझे आशा है कि अगले 5 साल के अंदर भारत के जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं उन टूरिस्ट स्थलों को हम बेहतर कनेक्टिविटी कर ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लाने में यहां पर सफल होंगे। आज मैं इस डिपार्टमेंट को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आईटी के सेक्टर के अंदर निधि 2 डेटाबेस लीज किया है। ये डेटाबेस निश्चित रूप से इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए तो उपयोगी होगा सही, लेकिन साथ के साथ देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये निधि 2 उपयोगी होगा और उनकी जानकारी के लिए उपयुक्त होगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जितने भी टूरिस्ट मैप डेस्टिनेशन है उनको हम अलग अलग सेक्टरों के मैप पर ला सकें।
मैं देखता हूं कि आज भी हमारे कई टूरिस्ट स्थल ऐसे हैं जो टूरिस्ट मैप पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम अगर प्रयास करें तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं रहती हैं, अलग अलग लोगों की देखने का अलग अलग नजरिया होता है। इसलिए भारत के अंदर भौगोलिक विविधता और संपूर्ण हमारी विविधताओं को हम हर दृष्टिकोण से देशी विदेशी पर्यटकों के सामने अगर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे आशा है हर तरीके का टूरिस्ट यहाँ पर आएगा और एक नया कल्चर भारत में डेवलप होने लगा। मैं कुछ दिन पहले मालदीव गया था, मालदीव मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा देश जहाँ से केवल समुद्र के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट वहाँ आते हैं, 5 लाख कुल आबादी है, इससे बेटर बेटर स्थान अपने भारत के अंदर है। मैंने उस समय टूरिज्म मिनिस्टर साहब से भी चर्चा की थी और अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि हमें इन सब स्थानों को डेवलप करना चाहिए और विशेष रूप से एक नई कल्चर पूरे विश्व के टूरिस्ट में पनपी है, वह कल्चर है रूरल डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटक को बढ़ावा करने के लिए हमें एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे कई जगह मैंने देखा कि एक एक दो दो महीने आकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग रुकते हैं, इसलिए ग्रामीण टूरिज्म के सेक्टर के अंदर अगर हम डेवलप करेंगे तो इसके साथ साथ हम वहाँ की विशिष्ट कला, हमारी शिल्प कला, हमारी हस्तशिल्प कला, उसके उत्पादकों को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने में कामयाब होंगे। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर भी हम व्यापक प्रयास करेंगे। मैं इस मौके पर जब हमारे आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, पूरे देश में है हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यह अमृत महोत्सव निश्चित रूप से हमारी आज़ादी का उत्सव है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने आज़ादी दी, कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनको स्मरण करने का भी समय है। हम ऐसे समय में हमारे देश के नौजवानों को आज़ादी की याद दिलाने के लिए, हमारे लोगों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाने के लिए ऐसे तमाम स्थलों को भी एक रोड मैप बनाकर देश के नौजवानों से आग्रह करें कि वह ऐसे स्थानों पर जाएं जिससे वहां उनको नई प्रेरणा मिले, नई शक्ति मिले, ताकि वह देश और राष्ट्र के लिए कुछ करने का संकल्प ले सकें। मुझे आशा है कि आपके नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और हम सब मिलकर सामूहिक संकल्प के साथ, सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ विश्व पर्यटन दिवस पर अपने आप को संकल्प करेंगे कि हम भारत को दुनिया का सबसे बढ़िया बेहतरीन पर्यटक हब बनाएंगे और दुनिया के टूरिस्ट को लाने में हम कामयाब होंगे और कोरोना संक्रमण के इस वायरस को रोकने में जिस तरीके से भारत सबसे अधिक कामयाब रहा, उसी तरीके से विश्व पर्यटन दिवस पर भी हमारी प्रतिबद्धता होगी कि हम देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ ला सकें। मुझे आशा है कि भारत की भौगोलिक विशिष्टता, यहाँ के लोगों के संस्कार, यहाँ की संस्कृति निश्चित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करेगी और मुझे आशा है आने वाले समय में पर्यटन उद्योग इंडस्ट्री पनपेगी ताकि हम लोगों को नए रोजगार दे सकें और इस इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय भारत।